वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी से रिलेटेड, चाहे आपके एमटीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका सीपीए हो या एसटेन हो, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम बिना कोई बात के अपना प्रैक्टिस सेशन देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और जिन जिन जो दोस्तों के पास में आपने लिंक शेयर नहीं किया उन सभी को लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे ये देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम मार्कर ले लें एक बढ़िया सा और ब्लैक इंक ले लेते हैं, ठीक है। लीजिए हमने एक छोटा सा मार्कर ले लिया है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसमें देखना है कि अगर सेंटेंस गलत है तो उसको इंप्रूव करिए, और अगर सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है मतलब नो इंप्रूवमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस बताया गया द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लावर्स है वो क्या है। तो हमने बोला फ्लावर्स जो है गाइस वो एक नाउन है, फ्लावर्स एक क्या है, नाउन है, नाउन के लिए ही आर्टिकल आते हैं। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ स्वीटली नहीं होगा, स्वीट होगा, क्यों, क्योंकि नाउन को जो क्वालिफाई करेंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। तो यहाँ स्वीटली ना करके हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीट करना पड़ेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन क्यों गलत होगा, क्योंकि भाई आपने देखा सेंटेंस तो प्रेजेंट में है तो बिल तो होगा नहीं, स्मेलिंग सो स्वीटली डी ऑप्शन में लिखा था वो भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, इंट्रिकेट का मतलब होता है गाइस जटिल, इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, जटिल, ठीक है। कंप्लीट नहीं होगा, कनेक्टेड नहीं होगा, सिनोनिम चाहिए, समानार्थी चाहिए, आपको पर्याय चाहिए, कलरफुल नहीं होगा, बचा कौन, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे से देखो दो दो नंबर के क्वेश्चन है ये आपके, आपको ये आने चाहिए ना, नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जी हाँ, अब यहाँ पे पी क्यू आर एस दिया गया, इसको हम ट्रिक बेस पे सॉल्व करेंगे, ट्रिक समझना, और यही ट्रिक आपको हर जगह काम आएगी, ठीक है, हर जगह। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो गिवन बिलो आर फाउंड जंबल्ड सेंटेंस। अब आपको देखो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। सबसे पहले आपने देख लिया सी ए डी बी लिखा है, ए डी बी सी लिखा है, डी बी ए सी लिखा है, डी बी सी ए लिखा है ना, समझना ध्यान से। अब सबसे पहले आप गए ए ऑप्शन पर, ए ऑप्शन में आपने देखा सी ए डी बी है ना, आपने देख लिया सी से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, ओवर द इयर्स पीपल हैव बॉब्स एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरीज, है ना। फिर आप ए पर गए, दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरीज, मतलब अभी यहाँ पे बताया गया था पर उसके बारे में बताया गया। फिर डी पर गए आप, विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन नॉट ओनली एग्जिस्ट बट ऑल्सो एक्यूमुलेट्स इमेंस पावर, एंड बी ऑप्शन बताया गया, हाउएवर एन इमेजिन रियलिटी इज नॉट अ लाई। लो भाई ए ऑप्शन ही आपका राइट हो गया, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए आप लोग, एलिमिनेट जैसे मैंने बोला ए डी बी सी लिखा है नहीं होगा, क्यों, अब ए से क्या कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, दिस नेटवर्क, मतलब नेटवर्क की पहले बात की गई है, मतलब उसके पहले कोई सेंटेंस होगा तो मतलब सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर आपने देखा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में गए, बी में डी से स्टार्ट है, विद इन दिस नेटवर्क, आपको पता है इसके पहले भी एक सेंटेंस की बात हुई है, हुई है कि नहीं हुई है, जब सेंटेंस की बात होगी तो ना तो बी से, ना आपका बी ऑप्शन राइट होगा, क्यों, क्योंकि ये भी डी से स्टार्ट हो रहा, ना डी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि ये भी डी से स्टार्ट हो रहा, तो बचा कौन सा हमारे पास में, ए ऑप्शन, तो हमने ये को राइट कर दिया, है ना। ये छोटी छोटी सॉफ्ट ट्रिक है जिनको आप यूज कर सकते हैं पी क्यू आर एस में, और ये प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। तो आपने देखा क्वाइट, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वाइट का मतलब शांत,
क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? गिवन सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट। ठीक है, जिनको हम क्या सुधार नहीं सकते हैं। अब जिनको सुधार नहीं सकते हैं, क्या इम्पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना, तो हम डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। इनक्रेडिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, इनवायलेबल होगा? नहीं होगा। इनकरेजिबल हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है? जी हाँ, लीजिए, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में फाइंड करना है भाई। अब देखो, पैसिव फॉर्म में आपने सेंटेंस को रीड किया, सेंटेंस क्या बताया गया है? सेंटेंस बताया गया अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज्ड, कॉज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है। और जहां पर आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखी है, तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो बॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको चाहिए रहती है। तो आपको जहां पे बॉज प्लस वी थ्री या वर्ब प्लस वी थ्री मिल जाए, देखो उसको समझो। तो आपने पहले में देखा है कॉज्ड लिखा है, नहीं है। सेकंड में देखा है, हाँ है, बाई भी लिखा है। थर्ड में नहीं है। फोर्थ में, फोर्थ में है लेकिन बाई नहीं है। मतलब अप्रोप्रिएट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है समझेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लिंक व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकैबुलरी। अगर आपको आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, द बेस्ट थिंग टू डू सो टू डू इज टू रिलेट अ नोन वर्ड। मतलब क्या बताया गया है कि आपको एक नोन वर्ड से, मतलब एक जानने वाले शब्द से रिलेट करना होगा। किसको रिलेट करना होगा? विद एन अननेसेसरी वर्ड से नहीं, एसेंशियल वर्ड से नहीं, अनक्लियर वर्ड से नहीं, इससे अनफेमिलियर वर्ड से, अपरिचित वर्ड से। ठीक है, अब एक चीज समझना आप। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, तो कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसको आप जानते होंगे, नोन वर्ड होगा कोई, है ना, कोई एक नोन वर्ड होगा, और आप उस नोन वर्ड से ही आप अननोन वर्ड को पहचानेंगे, समझ रहे ना, उससे रिलेट करेंगे, अननोन वर्ड से, अननोन वर्ड को रिलेट करेंगे नोन वर्ड से, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अनफेमिलियर हो जाएगा, कि मतलब अपरिचित वर्ड को आप उठाएंगे और नोन वर्ड से क्या करेंगे? परिचित करेंगे। तो दोनों जब आप याद करेंगे, तो ऐसे आपकी चेन बनती जाएगी और याद करते जाएंगे आप। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा अनफेमिलियर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है यहाँ पे? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिविन वर्ड एब्जर्ड। एंटोनेम चाहिए हमें। एब्जर्ड का मतलब होता है दोस्तों बेतुका। एब्जर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका। क्या सेंसिटिव? पॉसिबल ही नहीं है। सेल्फिश? पॉसिबल ही नहीं है। सेंटिमेंटल नहीं होगा, सेंसिबल हो जाएगा। ठीक है, एब्जर्ड का एंटोनेम क्या हो जाएगा? सेंसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंसिबल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लो भाई, अब फिर से आपके पास में एक ऑप्शन आ गया। इन ऑर्डर टू ब्लैंक टू अ न्यू प्लेस यू मैनी नीड। अब आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है एडजस्ट एडजस्ट करने के लिए टू द वे ऑफ दैट कल्चर, उनके कल्चर को। ठीक है, अब समझना एक बात। चलो मैं एक बहुत प्यारा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को समझो आप लोग। मान लो किसी की शादी हुई है और वो नए घर में गई है लड़की। ठीक है, मान लो किसी एक लड़की की शादी हुई है और वो एक नए घर में गई है, और जब नए घर में गई जाएगी वो, तो उसको उसके अनुकूल होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा, मतलब उसको ढलना पड़ेगा उस माहौल में, और ढलना पड़ेगा मतलब अनुकूल होना पड़ेगा, और अनुकूल होना पड़ेगा मतलब एडप्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? राइट, अप्रोप्रिएट आंसर एडप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडप्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अब देखो, यहाँ पे आपको इडियम दिया गया है, लोकोक्ति और मुहावरे, इडियम फ्रेज आपने सुने होंगे। थॉट आउट, सॉरी थ्रू आउट हिज स्पीड द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। देखो, ऑल ईयर्स आपका इडियम दिया गया है। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? चौकन्ना होकर सुनना, मतलब वेरी अटेंटिव, चौकस रहना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब इनको कैसे भाई? इनको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको याद करेंगे हम सब लोग। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने। अब याद कैसे करेंगे? इसी तरीके से मैंने बता दिया, ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब वेरी अटेंटिव से हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन. लो भाई यहाँ फिर आपको एक इडियम दिया गया. इडियम क्या है? इडियम दिया गया है यहाँ पे सोलन हीटेड. अब जो सोलन हीटेड दिया गया है, सोलन हीटेड का मतलब होता है घमंडी, मतलब फेमस होगा क्या? नहीं. अनवेल नहीं, वेल कनेक्टेड नहीं. बचा क्या? कंसीटेड. कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी. क्या होता है? घमंडी. आगे ना बस समझ में क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. देख लो भाई अगला. लो यहाँ पे आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट. तो भाई क्लोज टेस्ट दिया गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. अब देखो इसको करेंगे सॉल्व. ऑल दो अ वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है, हालांकि एक जो वाइल्ड एलिफेंट है चिन्नास्वामी जिसका नाम है, डिड नॉट ग्रो अप, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, एंटर इन द वाइल्ड जंगल में फॉर ओवर कुछ समय के लिए, फॉर ओवर द लास्ट, फॉर ओवर द लास्ट. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कुछ समय के लिए. अब कुछ समय के लिए क्या बात हो रही है, समझना ध्यान से. कुछ समय के लिए समर आएगा क्या? नहीं. एनल आएगा? नहीं आएगा. फेस्टिवल आएगा? नहीं आएगा. क्या आ जाएगा? डिकेड आएगा. क्या आएगा? डिकेड. अब समय के लिए तो डिकेड. अब आगे वाला सेंटेंस देखो, आगे वाले सेंटेंस में क्या बताया गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिकेड आ जाएगा ट्वेल्थ में, है ना. थर्टींथ का देखेंगे, ही हैज हैड इजी. अब उसको इजी हुआ, क्या इजी हुआ? टू फूड एट कडगांव, ठीक है. एसएस क्या हो जाएगा? एसएस हो जाएगा. बे नहीं, एंट्री नहीं, अप्रोच नहीं, एसएस. मतलब उसको इजी क्या हुआ? खाना, उसके पास में खाना पहुंचना इजी हुआ भाई. ही हैज हैड इजी एसएस टू फूड एट थडगांव, ठीक है. थडगांव से उसके पास में जो खाना है वो आराम से इजी वे में पहुंच रहा है ना. आ ब्लेज सराउंडेड बाई द वेस्टर्न घाट नियर कोयम्बटूर, ठीक है. जो ब्लेज है वो कहाँ सराउंडेड है? कोयम्बटूर में सराउंडेड है और पश्चिमी घाट पर, ठीक है. पश्चिमी घाट के घेरों चारों तरफ इस तरीके से घेरे हुए हैं. अगला क्या है? ब्रिक. जो ब्रिक है, अब ब्रिक टब होगा? नहीं. ब्रिक जार होगा? नहीं. ब्रिक स्टोर होगा? नहीं. क्या होगा? ब्रिक क्लिंग. ब्रिक क्लिंग्स का मतलब होता है क्या? जो ईंट के भट्टे होते हैं, ईंट भट्टे जिनको हम बोलते हैं, ईंट भट्टे जो है टेम्प्ड हिम, उसको लुभा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? लुभा रहे हैं. क्लिंग्स आ जाएगा यहाँ पे. क्या आ जाएगा? क्लिंग्स, के आई एल एन एस, ठीक है. के आई एल एन एस, क्लिंग्स आ जाएगा. जो ब्रिक के भट्टे हैं उसको लुभा रहे हैं, ठीक है. आगे क्या बताया गया है? ऑफ वाटर. अब ऑफ वाटर दिया गया तो मच तो आएगा नहीं, लोड आए नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, बचा क्या? प्लेंटी. तो प्लेंटी ऑफ वाटर, ही लव्ड द पॉम्प दैट वॉज यूज एज फॉर बेकिंग ब्रिक्स. अब यहाँ जो बेकिंग ब्रिक्स लिखा हुआ है, तो बेकिंग ब्रिक्स के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? ये रही हमारी अगली ऑप्शन. तो ब्रेकिंग ब्रिक्स के लिए आपको ना तो पाउडर यूज करेंगे, ना लॉक्स यूज करेंगे, ना मैटर यूज करेंगे, फ्यूल ईंधन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे बेकिंग ब्रिक्स के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे बेकिंग ब्रिक्स के साथ में क्या आ जाएगा? 16 नंबर में फ्यूल आ जाएगा. अब दोस्तों देखिए, ये जो आपको क्लोज टेस्ट दिया गया है, कई बच्चों को नहीं आया होगा समझ में. धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, है ना. धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, एकाएक सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, ठीक है. तो लेकिन जो भी चीजें क्लियर नहीं हुई, एक बार रिवर्स करो, फिर से एक बार देखो, फिर चीजें क्लियर नहीं होती तो भाई क्लास में उससे पूछ लेना, है ना. जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उनको क्लास में पूछ लेंगे, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, ठीक है. तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, है ना. चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, चूज द ऑप्शन दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. अब आपको यहाँ क्या करना है? एक्टिव फॉर्म में देखना है सेंटेंस को. भाई देखो, इट वॉज डिसाइडेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वॉज प्लस वी थ्री दिया गया है. सॉरी, वॉज प्लस वी थ्री दिया गया, मतलब इसका जब आप एक्टिव फॉर्म बनाएंगे, इसका जब आप एक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए हमें. किसमें चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म? ए में है क्या? डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज कमेंट्स. द मेंबर्स डिसाइडेड, ठीक है. अब देखना, समझना ध्यान से. ए ऑप्शन में लग रहा है हमें, बी ऑप्शन देखेंगे. चेयरमैन बर टू लिखा हुआ है, नहीं है. डिड द मेंबर्स डिसाइड टू प्लेस, ये भी नहीं होगा. द चेयरमैन डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द मेंबर, ठीक है. अब देखो ध्यान से, डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट, डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द मेंबर, बिफोर द मेंबर, ठीक है. द चेयरमैन, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इट वॉज डिसाइडेड बाई द मेंबर्स, बाई द मेंबर्स. तो द मेंबर्स हमें क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट लेना है, सॉरी. तो ए ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट होगा. 17 का आपका क्या हो जाएगा भाई? 17 का ए हो जाएगा आपका, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ब, ठीक है. अब आपको यहाँ एंटोनेम देखना है. एंटोनेम किसका? एक्यूट का. एक्यूट का मतलब क्या होता है गाइस? दोष मुक्त होता है. क्या होता है?
दोष मुक्त, एविक्ट क्लियर, फॉरगिव नहीं, कन्विक्ट हो जाएगा, दोष क्या हो जाएगा, कन्विक्ट। आगे ना बात समझ में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लीजिए फिर किसे PQRS आ गया। अब इसमें भी आप बढ़िया से ट्रिक यूज करेंगे, कैसी ट्रिक यूज करेंगे देखेंगे समझेंगे। अब आपने देखा BADC ऑप्शन से एलिमिनेट किया करो, BADC बी फाइनली। अब जब फाइनली लिखा है मतलब फाइनली लास्ट में आएगा, कंक्लूजन मतलब सबसे लास्ट वाला वर्ड होगा, तो जहां पर बी सबसे लास्ट होगा उनको देखेंगे। तो इसमें तो ए में लिखा है पहले पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो तीन ऑप्शन है, DACB, CDAB और ADCB है ना। तो बी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे भी बी है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन में भी बी है और डी ऑप्शन में भी बी है ना, तीन ऑप्शन है हमारे पास में। अब हमने फाइंड किया बी ऑप्शन देखा, बॉइल मिल्क इन अ हैवी बॉटम्ड पैन एंड एड राइस, ठीक है ये सही है। उसके बाद डी ऑप्शन कुक फॉर अबाउट, ये भी ठीक है। उसके बाद ए ऑप्शन इफ द मिक्सचर बिकम, ये भी सही है। और फिर बी फाइनली, हाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, ए से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ब असिस्ट। अब यहाँ सिनोनिम चाहिए, तो असिस्ट का मतलब होता है गाइस मदद करना, असिस्ट का मतलब क्या होता है मदद करना, ठीक है, तो हेल्प हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है विच मीन सेम ग्रुप ऑफ वर्ड दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। ये तो आपको याद होने चाहिए भाई, एक पॉइंट सेकेंडों के आंसर हैं, दो दो नंबर ऐसे आते जाएंगे, कितने सरल वर्ड दिए गए हैं आपको, है ना, बन जाएंगे आप लोगों से। चलिए बढ़ते हैं, नहीं बनते हैं तो याद करते जाइए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, बताओ भाई अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट की नहीं होगी, मेजर नहीं होगी, रॉबरी नहीं होगी, सी ऑप्शन आपका, ब्लेजर आपका, ये आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दिस कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। अब देखो यहाँ पे बताया गया था रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सबसाइड्स ऑफर बाई। अब देखो आपको पता है जब कभी भी V3 प्लस बाई होता है कि नहीं होता है, अगर कभी भी हम पैसिव की बात करें, अभी भी अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव वॉइस में आपको क्या कंडीशन रखती है, पैसिव वॉइस में V3 प्लस बाई होता है हमेशा, और V3 प्लस बाई होगा तो ऑफर होगा या ऑफर्ड होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है एरर होगा, यहाँ ऑफर ना लगा के ऑफर्ड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑफर्ड करना पड़ेगा। अगेन अब समझ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जी हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विल इम्प्रूव, लो भाई फिर से इम्प्रूवमेंट का आ गया, इम्प्रूवमेंट का आ गया, तो वेरी मच प्लेज नहीं होगा, मच को रिमूव कर देंगे, मच को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी प्लीज हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है समझेंगे ध्यान से, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दिस कंटेन ग्रामेटिकल एरर अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क। अब अनलेस के साथ में गए क्या नॉट आएगा, नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन, यहाँ से डी ऑप्शन आप टिक करेंगे, लीजिए आपके ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। जिन दोस्तों को ये 25 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट बॉक्स में डालने के सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अगले वीडियो में जो आपके लिए आएगी उसमें मैं उन क्वेश्चंस को डिटेल्ड में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए बिना कोई बात के, सेशन आपको कैसा लगा, बढ़िया से आप ये बात बताएं कि सेशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिनको इनकी बहुत ज्यादा नीड है उन तक पहुंचाएं, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया, जो भी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं वो आप हमसे यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, इसी तरीके से आपके लिए एक और सेशन लेके आऊंगा और फिर एक और सेशन लेके आऊंगा, तो डेली आपको ऐसे सेशन मिलते रहेंगे। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं, थैंक यू टू ऑल।